हाय एवरीवन वेलकम बैक इस सेशन में हम करियर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि uh, लगातार करियर से भी एक या दो क्वेश्चन पूछता आ रहा है तो uh, इसमें हम डिफरेंट करियर कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि करियर प्लानिंग करियर मैनेजमेंट करियर डेवलपमेंट या और भी अदर करियर के मॉडल्स हैं राइट right? उनके बारे में बात करेंगे तो दिस इज़ मी शुभम शर्मा और टुडेज़ टॉपिक इज़ मैनेजिंग करियर इसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू करियर जैसे कि मैंने कहा करियर प्लानिंग करियर डेवलपमेंट करियर मैनेजमेंट या इस तरह की टर्म्स क्या होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं करियर एंकर कॉन्सेप्ट क्या है किसने दिया कितने तरह के करियर एंकर्स होते हैं वो हम बात करेंगे करियर प्लानिंग उसका प्रोसेस मे बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग एयर एंड करियर डेवलपमेंट राइट Uh, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो यहाँ से हम देखेंगे देन करियर डेवलपमेंट से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है एम डी पी दैट इज़ मैनेजमेंट डेवलपमेंट मैथड्स और प्रोग्राम्स तो उनको हम डिस्कस uh, करेंगे देन करियर मैनेजमेंट का प्रोसेस एंड मॉडल्स और एंड देन लास्ट सम करियर मॉडल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम इस सेशन में देखने की कोशिश करेंगे तो स्टार्ट uh, करें लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टार्ट विथ करियर है ना तो करियर की एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है दैट इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस हेल्ड बाय एन पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम ऑब्वियसली बात है जब भी आप अपने करियर लाइफ टाइम में जो भी पोजीशंस हेल्ड करते हो इन योर करियर वो जो है वो मान लिया जाता है कि दैट इज योर करियर करियर को याद रखना करियर दो तरीके का मेजरली हम डिफाइन कर सकते हैं वन इज ऑब्जेक्टिव करियर एंड सेकेंड इज सब्जेक्टिव ठीक है या इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव करियर सक्सेस एंड सब्जेक्टिव करियर सक्सेस ऑब्जेक्टिव मीन्स नाम से समझ में आ रहा है ऐसे सक्सेस जिसको हम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर पाएँ और सब्जेक्टिवली मीन्स विच वेरीज पीपल टू पीपल और विच वेरीज पर्सन टू पर्सन राइट तो इसमें ऑब्जेक्टिव करियर सक्सेस को देखने के कुछ मीजर्स होते हैं जैसे कि हाउ मैनी प्रमोशंस यू गॉट इन द लास्ट वन ईयर और इन द लास्ट फाइव ईयर्स और हाउ मैनी हाउ मच सैलरी यू ड्रॉन है ना वट इज़ द पोजिशन यू होल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस के ऊपर आप ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं किसी भी पर्सन के करियर को राइट right? और सब्जेक्टिव मीन्स इसकी पर्सनल फुलफिलमेंट एक अचीवमेंट है ना दिस इज़ मोर रिलेटेड टू इंटरनल सेटिसफेक्शन दैट इज़ योर सब्जेक्टिव करियर सक्सेस तो अगर आपको एसर्सन रीजन में भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से वहाँ पे आंसर कर पाओगे दिस इज द फर्स्ट थिंग राइट अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट कुछ टर्म्स से लिए से रिलेटेड दैट इज़ करियर प्लानिंग करियर डेवलपमेंट और करियर मैनेजमेंट राइट बहुत ईजी है बहुत ध्यान से सुनना अगर कॉन्सेप्ट समझ गए वहाँ पर आंसर कर पाओगे करियर प्लानिंग का मतलब क्या है बहुत ईजी मतलब है जिसमें कि आप करियर के गोल्स को सेट करोगे और उनको अचीव करने के लिए मीन्स आइडेंटिफाई करोगे कि वट आर द वेज़ वट आर द मीन्स टू अचीव दोज़ करियर गोल्स सिंपल सी बात सो इन करियर प्लानिंग आप करियर गोल्स को सेट करते हो और उनको अचीव करने के लिए मीन्स और क्या तरीके हो सकते हैं उनको डिसाइड करते हो उनको आइडेंटिफाई करते हो दैट इज़ ऑल अबाउट करियर प्लानिंग क्लियर ठीक है कोई लोड नहीं लेना है बहुत आसान चीज है सेकेंड इज करियर डेवलपमेंट याद रखना ये जो हमने अभी मीन्स की बात की ये जो हमने अभी मीन्स की बात की दैट मीन्स कि जो भी आपने करियर गोल्स सेट किए उनको अचीव करने के लिए जो भी आप एक्शन लेते हो जो भी आपके एक्शन प्लान्स हैं ठीक है ये जो भी आपके एक्शंस हैं जिस भी तरह का आप इंटरवेंशन यूज करते हो उसको हम बोल देंगे कि दीज आर करियर डेवलपमेंट कि आप करियर में डेवलप होने के लिए एक्चुअल में इंप्लीमेंट क्या करते हो कौन से एक्शंस आप लेते हो दैट इज़ कॉल्ड एज करियर डेवलपमेंट बहुत सारे एक्शंस हैं राइट बहुत सारी टेक्निक्स हैं बहुत सारे तरीके हैं है ना आप करियर वर्कबुक बनाओगे कॉन्फ्रेंसेज लगाओगे इंडिविजुअल काउंसलिंग करोगे ये सब क्या है दीज ऑल आर करियर डेवलपमेंट मैथड्स और करियर डेवलपमेंट प्लान्स so it is a formal approach used by the firm to ensure that people with proper qualification and experience are available when needed. that means it consists of personal actions one undertakes to achieve a one career plan. तो ये क्या है एक personal actions है जो कि कोई एक person अपने career plan को achieve करने के लिए implement करता है, adapt करता है. ठीक है. तो career development में आपको याद रखना है कि these are personal action plans. ठीक है. और ये इंडिविजुअल खुद भी ले सकता है ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रोवाइड करती हैं ताकि ऑब्वियसली जब आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे उनके पहले तो करियर के से रिलेटेड क्या उनके नीड्स uh, हैं क्या उनके इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली जब आप उनको करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे देन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम में वो जो लोग हैं वो एक क्वालिफाइड लोग अवेलेबल रहेंगे फ्यूचर में पोजीशंस के लिए सो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ करियर डेवलपमेंट एंड द फाइनल इज करियर मैनेजमेंट सो ये डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखना बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है करियर मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग इम्प्लाईज टू बेटर अंडरस्टैंड एंड डेवलप दियर स्किल्स राइट एंड इंटरेस्ट एंड यूज़ दैम फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ तो मैं आपको एक आसान तरीके में समझाऊँ करियर मैनेजमेंट कुछ नहीं है करियर मैनेजमेंट मीन्स करियर प्लानिंग प्लस करियर डेवलपमेंट एक तो आपको ये वाला इक्वेशन याद रखनी है ठीक है इतनी बात समझ में आ गई करियर प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमारे करियर गोल्स हैं और उनको कैसे अचीव किया जाए करियर डेवलपमेंट में हमने जो डिसाइड किया कि हमारे ये मीन्स हैं ये वेज हैं उनको इंप्लीमेंट करना उनके लिए एक्शंस लेना दैट इज़ योर करियर डेवलपमेंट और जब प्लानिंग और ये एक्शंस दोनों मिल जाते हैं वो हमारा बना देते हैं करियर मैनेजमेंट ट मींस यहां अगेन वैसे ही लिखा है दैट इज यू अंडरस्टैंड एंड डेवलप द स्किल्स और इंटरेस्ट एंड देन यू बेनिफिट दर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ आपने अंडरस्टैंड किया दैट मीन्स आपने प्लान किया आपने डेवलप किया दैट मींस यूर करियर डेवलपमेंट राइट एंड देन इट ऑब्वियसली बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड यू बोथ क्लियर समझ में आ गया बस इतना आपको याद रखना है दैट मीन्स कि जो करियर मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी दैट मीन्स इसमें चीज़ें इंक्लूड रहेंगी करियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि मैंने अभी बात की देन रियलिस्टिक करियर ओरिएंटेड अप्रेजल्स कि जो हमने डेवलपमेंट एक्शंस उनको दिए जो भी इम्प्लीमेंट हमने मैथड्स किए उनके बाद उन एम्प्लॉज़ के करियर को अप्रेज़ करना कि क्या वाकई वो उस करियर के डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं दैट मीन्स अप्रेजल एंड फाइनली पोस्टिंग ओपन जॉब्स तो अकॉर्डिंगली फिर उनको करियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देना अियर सो दिस इज अबाउट करियर मैनेजमेंट करियर डेवलपमेंट एंड करियर प्लानिंग राइट आगे बढ़े जैसे कि यह क्वेश्चन था देखो द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग एम्प्लाइज टू बेटर अंडरस्टैंड एंड डेवलप दियर करियर स्किल्स एंड इंटरेस्ट एंड यूज देम मोर इफेक्टिवलीज इन फ्रंट ऑफ यूर करियर मैनेजमेंट अभी हमने पढ़ा कि करियर मैनेजमेंट में ही आप स्किल्स को अंडरस्टैंड करते हो दैट मींस यू प्लान एंड देन यू डेवलप इज कॉल्ड एज करियर मैनेजमेंट तो जिसमें दोनों आती हैं चीज़ें प्लानिंग भी आती है एंड डेवलपमेंट भी आती है सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लियर अब आपको करियर डेवलपमेंट भी पता है करियर प्लानिंग भी पता है करियर काउंसलिंग वन ऑफ द मैथड ऑफ करियर डेवलपमेंट तो ये आप जब पढ़ोगे काउंसलिंग आपको पता है वो हम आगे मैथड्स में उसको देख लेंगे ठीक है क्लियर आगे चले नाउ no. एक तो हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बीच में थोड़ा सा फ़र्क क्या है वो हमने देख लिया राइट सेकेंड इज करियर एंकर्स कि करियर एंकर्स क्या होते हैं पहला क्वेश्चन जो आपको इसमें याद रखना है दिस कॉन्सेप्ट ऑफ करियर गिवन बाय स्कीन एडगर स्कीन इज हिज़ फुल नेम एडगर ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दिए किसने ठीक है अच्छा अब एंकर्स होते क्या हैं करियर एंकर्स मींस बेस्ड ऑन विच यू डिसाइड द पाथ ऑफ योर करियर यू चूज योर करियर ठीक है करियर so, एंकर आपके वैल्यूज हो सकती हैं आपका इंटरेस्ट हो सकता है आपका सोशल बैकग्राउंड हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है जिसके बेस के ऊपर जो है वो आप ये डिसाइड करो क्या कोई बिलीफ हो सकता है कोई आपकी कैपेबिलिटी हो सकती है जिसके बेस के ऊपर आप ये डिसाइड करो कि मुझे कौन से करियर में जाना है ठीक है क्लियर उसको बोल देते हैं करियर एंकर्स जैसे कि स्कीम सुजेस्टेड दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पोजेस्ड स्पेसिफिक और यूनिक एंकर्स सच एज वंस परसेप्शन ऑफ वंस ओन वैल्यूज टैलेंट्स एबिलिटीज मोटिविच फॉर्म द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल रोल्स एंड डेवलपमेंट हर एक इंसान में अपनी यूनिक वैल्यूज होती हैं टैलेंट होता है एबिलिटीज होती हैं और मोटिवस होते हैं जो कि बेसिस फॉर्म करते हैं फॉर इंडिविजुअल रोल्स एंड डेवलपमेंट तो अब कौन सा करियर चूज करोगे ये डिसाइड होता है आपके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से जिस फैमिली की सोशल बैकग्राउंड एजुकेशन होगी तो वो एजुकेशन फील्ड में ही देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो एजुकेशन फील्ड के करियर को चूज करे सो दैट इज एन एक्चुअली द करियर एंकर्स राइट एंकर स्कीन जो है इन्होंने आठ डिफरेंट तरह के एंकर्स के बारे में बात कही है अब एग्जाम के लिए जो आपको याद रखना है वो एक कि एडगर स्कीन ने ये करियर एंकर्स का कॉन्सेप्ट दिया क्वेश्चन नंबर टू ये कितने तरह के दिए आठ तरह के उनके नाम पता होना चाहिए अंदर की कहानी नहीं भी पता तब भी चलेगा बट हालांकि जब आप नाम पढ़ोगे तो आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा हाउ फिर भी आपको इनका ये पता होना चाहिए कि आठ ऐसे कौन से करियर एंकर्स हैं जो कि एडगर स्कीन ने दिए थे तो जिसमें कि पहला क्या है टेक्निकल और फंक्शनल कॉम्पिटेंसी कुछ ऐसे लोग जो कि टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि हम टेक्निकली करियर को छोड़ के किसी और करियर को चूज़ करें राइट right? तो वो आ जाएगा आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंकर ठीक है दूसरा है जनरल मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस ऐसे लोग जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना डिसीजन मेकिंग में बहुत मजा आता है वो उस तरीके के करियर को चूज़ करेंगे इट इज़ योर सेकेंड करियर एंकर दैट इज़ जनरल मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस जिसमें कि यू परफॉर्म इन द पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू टैकल हाई लेवल प्रॉब्लम्स यू बिल्ड रिलेशनशिप्स यू इंटरैक्ट विद अदर्स राइट सो ये सब किसके कॉम्पिटेंसीज हैं मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस uh, है दैट मीन्स आप उस फील्ड से रिलेटेड जो है वो करियर चूज करोगे ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस इफ़ यू लव फ्रीडम ऑब्वियसली यू विल गो फॉर बिजनेस नॉट फॉर जॉब्स सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी

जब आप सोशल काउ जब आप किसी एक सोशल एविल्स को ख़त्म करना चाहते हो यू आर वर्क यू आर वर्किंग फॉर अ कॉज देन उसको हम बोलते हैं कि आप उस तरह का करियर चूज़ करोगे दिस कम्स अंडर सर्विस और डेडिकेशन टू अ कॉज प्योर चैलेंज वेन यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी एन चैलेंजिंग है ना एडवेंचर्स करना है ना स्काई डाइविंग करना ये सब चीज़ें क्या है दिस कम्स अंडर प्योर चैलेंज जिसमें कि आप अपनी लाइफ में कॉन्टिन्यूस चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो और एक्सपेक्ट भी करते हो देन लाइफ स्टाइल फाइनली दैट मीन्स कि आप अपने करियर को अपनी लाइफ बना लेते हो यू यू डू नॉट हैव टू लाइफ्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ जिसमें कि आपकी दोनों लाइफ एक ही होती हैं दिस इज कॉल्ड एज अ लाइफ स्टाइल ठीक है तो ये आठ तरह तरीके के करियर्स एंकर्स हैं जो कि की एडगर्स कीन ने दिए थे नाम से ही समझ में आ रहा है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस उनके नाम पता होने चाहिए कि ये जो आठ नाम है ये आपके एडगर स्कीन ने दिए थे सो दिस इज फ्रॉम करियर एंकर्स सो आगे बढ़ें जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन था करियर प्लानिंग करियर मैनेजमेंट करियर डेवलपमेंट और करियर कोचिंग अगर आप इनको मैच द फॉलोइंग करो है ना जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल फोकस ऑन टीचिंग एजुकेटिंग इंस्ट्रक्टिंग एंड ट्रेनिंग सबॉर्डिनेट्स तो ये हमें सीधा सीधा समझ में आता है कि ये सीधी करियर कोचिंग की बात हो रही है क्योंकि कोचिंग में ही हम टीच करते, है, करते, है, करते हैं एजुकेट करते हैं इंस्ट्रक्ट करते हैं और ट्रेन करते हैं तो डी का तो फोर्थ होना चाहिए तो ये ऑप्शन यहाँ से गया ये ऑप्शन यहाँ से गया तो अब फर्स्ट और सेकेंड से कोई आंसर हो सकता है अब आप एक बार फर्स्ट डेफिनेशन को देखो द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग इंप्लाईज टू बेटर अंडरस्टैंड एंड डेवलप देयर करियर स्किल्स एंड इंटरेस्ट अगेन हमने एक डेफिनेशन ये पहले भी पढ़ी थी इट इज रिलेटेड टू करियर मैनेजमेंट देन बी का फर्स्ट होना चाहिए बी का फर्स्ट इसमें ही है तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन आपको सिर्फ एक या दो ऑप्शन पता होने के साथ ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे चारों के चारे ऑप्शन पता होने की जरूरत नहीं है ठीक है वैसे ये भी बहुत इजी है द डेलिबरेट प्रोसेस थ्रू बिच समन बिकम अवेयर of personal skills, interests, knowledge and motivations and other characteristics and establish action plan to attain specific goal jab aap establish karte ho koi action plan apne goals ko achieve karne ke liye that comes under action planning humne usme hi decide kiya tha ki hum क्या career goals हैं हमारे उनको set करते हैं और उनको achieve करने के लिए what are the methods what are the action plans what are the ways we decide है ना उसको हम बोलते हैं career planning तो A का second होना चाहिए तो obviously it comes under option number first तो अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने कहा अगर वो समझ में आ गया तो हर एक जैसे किसी भी लैंग्वेज में लिखा होगा किन्हीं भी वर्ड्स के साथ लिखा होगा आप आंसर कर पाओ देन मैंने कहा था कि करियर डेवलपमेंट से ही रिलेटेड एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट आती है ये जो करियर डेवलपमेंट है याद रखना ये आपके किसी भी लेवल ऑफ इम्प्लाई पर हो सकती है एट एनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो है ना कोई भी इम्प्लाई किसी भी लेवल पर है उसके लिए आप करियर डेवलपमेंट मैथड्स जो है वो अवेलेबल हुए हैं जबकि जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं ये सिर्फ मैनेजरियल लेवल इम्प्लाइज के लिए जो है वो लिए जाते हैं और उनको दिए जाते हैं जैसे कि इसमें ऑन द जॉब और ऑफ़ द जॉब अब पहला क्वेश्चन आपको यही है पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो ऑन द जॉब मैनेजमेंट डेवलपमेंट मैथड है और कौन सा जो है वो ऑफ द जॉब मैनेजमेंट डेवलपमेंट मैथड है ठीक है जैसे कि हम ट्रेनिंग में पढ़ते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वैसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं तो ये आपने ऑलरेडी सब पढ़े होंगे जॉब रोटेशन कोचिंग एक्शन लर्निंग स्टाफ मीटिंग्स लिटरल ट्रांसफर्स और इसमें ऑफ द जॉब में सेमिनार्स केस स्टडीज गेम्स रोल प्लेस बिहेवियर मॉडलिंग कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज़ इसमें से एक्शन लर्निंग क्या होती है बिहेवियर मॉडलिंग क्या होती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी आपने ऑलरेडी सब पढ़ रखे हैं ठीक है क्लियर तो ऑन द जॉब में एक्शन लर्निंग क्या होती है इसमें ग्रुप ऑफ लर्नर्स ना ऑन द जॉब में क्योंकि हम ऑन द जॉब मेथड पढ़ रहे हैं तो इसमें रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं उनके सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं एक्शन लर्निंग है ना तो इसमें ग्रुप ऑफ लर्नर्स वर्क टुगेदर है ना एज अपोज टू क्लासरूम रूम सिचुएशन तो ये क्लासरूम रूम सिचुएशन में नहीं होती है लर्निंग ये कहाँ होती है एक्चुअल वर्किंग वर्क प्लेस में होती है जिसमें कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है ठीक है तो इसमें क्या है इसमें एक इक्वेशन हम देखते हैं एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू जिसमें कि एल ऑब्वियसली मेंट फॉर लर्निंग पी मतलब प्रोग्राम्ड लर्निंग और क्यू फॉर क्वेश्चनिंग एंड इनसाइड प्रोग्राम्ड लर्निंग मतलब जो भी आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो भी आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करके प्लस जो भी क्वेश्चनिंग और इनसाइट जो भी न्यू नॉलेज आपने गेन किया अपने जो कलीग्स हैं साथ में जॉब कर रहे हैं उनसे है ना या उस कंपनी में आपने कोई नई चीज़ सीखी तो जो भी नई चीज सीखी जो आप एग्जिस्टिंग नॉलेज है इन दोनों चीज़ों को मिला के जो आप लर्निंग करते हो उसको बोलते हैं एक्शन लर्निंग एज सिंपल एज दैट ठीक है सो so, बोलने का मतलब क्या है दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ऑन द जॉब एम डी पी एंड सेकेंड इसमें कि आप एग्जिस्टिंग नॉलेज और नई नॉलेज के साथ एक्शन लर्निंग करते हो ठीक है एंड सेकेंड इज ऑफ द जॉब एम डी पीज जिसमें कि हम एक पढ़ते हैं बिहेवियर मॉडलिंग तो बिहेवियर मॉडलिंग मतलब सिंपल कुछ नहीं है एक्चुअली आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर रहे हो दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स और इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल स्किल्स तो इसमें जो है वो आप ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन से लर्न करते हो है ना दैट मीन्स कि सपोज यू आर इन अ ग्रुप है ना तो आप अपने ग्रुप में जो बाकी के इम्प्लाइज हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उनके बिहेवियर को इमिटेट करके जब आप चीज़ें सीखते हो इंटरपर्सनल स्किल्स को सीखते हो उनको बोलते हैं बिहेवियर मॉडलिंग राइट क्लियर सो इट इज मॉडल्ड ऑन सोशल लर्निंग थ्योरी जैसे कि मैंने कहा कि आप सोशली जब आप चीज़ें सीखते हो ऑब्जर्व करके लोगों के बिहेवियर को इमिटेट करके उसको बोलते हैं बिहेवियर मॉडलिंग कुछ मॉडल्स हैं करियर मैनेजमेंट के बहुत सिंपल मॉडल है देखो नाम से ही समझ में आ रहा है पहला मॉडल है सपोर्टेड सेल्फ डेवलपमेंट दूसरा मॉडल है कॉरपोरेट करियर मैनेजमेंट और तीसरा मॉडल है करियर पार्टनरशिप है ना तो सपोर्टेड सेल्फ डेवलपमेंट जिसमें कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करियर को डेवलप करने की किसकी रहेगी इम्प्लाइज की सो इम्प्लाइज टेक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन करियर हाउ एवर देर इज अ एक्सटेंसिव सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द इम्प्लायर और इसी को हम लेसेज फेरे अप्रोच भी बोलते हैं करियर डेवलपमेंट की या करियर मैनेजमेंट की तो तीन अप्रोचेज है इसमें देखो मैं वैसे बताता हूं आपको इन जनरली करियर मैनेजमेंट मॉडल्स में जो पहला मॉडल है वो ये बताता है कि जो करियर को डेवलप करने की जो मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंप्लाइज की है दूसरे मॉडल में बोलेगा नहीं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस की है और तीसरे मॉडल में बोलेगा नहीं दोनों की इक्वल रिस्पांसिबिलिटी है तो जिसमें कि ये बोलता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज की है उस मॉडल का नाम है सपोर्टेड सेल्फ डेवलपमेंट ठीक है और सपोर्टेड क्यों क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी सपोर्ट रहता है और सेल्फ क्यों क्योंकि इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है इंप्लाई की रहती है दैट्स इट और इसी को ही हम क्या बोलते हैं लेसेज फेरे अप्रोच ऑफ करियर डेवलपमेंट ठीक है सेकेंड मॉडल क्या है कॉरपोरेट करियर मैनेजमेंट नाम से समझ में आ रहा है करियर तो इसमें प्राइमरी किसकी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की कॉरपोरेट की ठीक है सो इट इज ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन राइट और यहां पे जो करियर डेवलपमेंट है इज मोर एक्टिवली बाय बाई ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्लान जॉब मूव और सक्सेशन प्लानिंग एंड द थर्ड वन इज करियर पार्टनरशिप जिसमें कि बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टेक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर करियर इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ बोथ तो बस यही आपको मैच द फॉलोइंग में अगर आपको कभी पूछ लिया असल रीजन में कभी पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्टेड सेल्फ डेवलपमेंट में प्राइमरी रिस्पॉसिबिलिटी किसकी होती है इसको और किस नाम से बुलाते हैं और इसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी सपोर्ट रहता है कॉर्पोरेट करियर मैनेजमेंट में ये ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन होता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन खुद इंप्लाईज का करियर को डेवलप करने के लिए इंटरवेंशन लेती है और करियर पार्टनरशिप नाम में समझ में आ रहा है पार्टनरशिप मतलब दोनों की क्या है इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसमें रहेगी ये क्वेश्चन है अब इसको सॉल्व करोगे आप आपसे अप्रोच टू करियर डेवलपमेंट आराम से कर सकते हो कुछ दो तीन टर्म्स हैं जिनका भी आपको पता होना चाहिए जैसे कि सबेटिकल्स क्या होते हैं तो जो भी एजुकेशन लीव्स जैसे आप लेते हो अपनी कंपनीज में है ना तो उनको बोलते हैं सेकेंडमेंट क्या होते हैं कि आप जब किसी थोड़े टाइम के लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हो जैसे कि हम बोलते हैं ना डेपुटेशन पे उसको बोलते हैं सेकेंडमेंट ठीक है तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए एक लाइन में पूछ सकता है एंड बफलिंग क्या होती है बफलिंग मीन्स डिले करना है ना गप्पे लड़ाना मतलब कि आप बस है ना अपने करियर से रिलेटेड टफ डिसीजन्स नहीं ले रहे यू जस्ट बेफलिंग है ना आप सिर्फ गप्पे लड़ा रहे हो या आप नॉट टेकिंग टफ डिसीजन इन्यर करियर है ना आप डिसीजन मेकिंग आपके अंदर नहीं है उस उस इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब यह है इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट ठीक है क्लियर तो इसको Now, there are, uh, हम बोलते हैं नौ देर आर हम दो मॉडल्स हैं करियर से रिलेटेड बहुत ईजी है हे गाइज इफ यू थिंक दैट ये जितना भी कॉन्टेंट आपको करवाया जा रहा है ये आपके लिए यूजफुल है तो आप इसको कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हैं आपको उसके लिए अनस्टॉपेबल एजुकेशन ऐप डाउनलोड करनी है ये इस तरह का आपको लोगों वहाँ पे ऐप में देखने को मिलेगा और वहाँ पे जाके आप इस कंटेंट को कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे कंप्लीट आपको नोट्स लेक्चर्स दिए जाएंगे प्रॉपर वन टू वन मेंटरिंग वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है पी वाई क्यू एनालिस और क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर दिए जाएंगे राइट right? तो अगर आपको लगता है कि आप यूजीसी नेट के लिए लेबर लॉज एच आर एम कोड फिफ्टी फाइव का तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर ऐप पर जाके इस कोर्स में एनरोल होकर जो है वो कंप्लीटली इस एक्सेस कोर्स को इस कॉन्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं थैंक यू सो मच कई इसके लिए आपको करना क्या है ये ऐप डाउनलोड करनी है वहाँ पर आपको जैसे कि मैंने कहा कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड लाइव पी वाई क्यू एना डाउट सेशन मैंटरिंग बिल विदियर इन नट यहाँ पे एक बार पढ़ने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की देखने की जरूरत नहीं है ना आपको कोई बुक्स फॉलो करनी है ना आपको कहीं से मॉक पेप, पेपर लगवाने हैं ना आपको खुद से कोई पी एनालिसिस करना है हर एक चीज़ जो है वो वहाँ पर आपको करवाई जाएगी राइट सो थैंक यू सो मच थैंक यू